हेलो भाई, वेलकम बैक टू द UFC दोस्त यूट्यूब चैनल। आई नो वीडियो थोड़ा लेट आ रहा है, बट मैं इस वीकेंड थोड़ा बिजी था, लेकिन अब मैं वापस आ चुका हूँ और आप सबके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग UFC और कॉम्बैट स्पोर्ट्स की न्यूज़ लेके आया हूँ। तो जल्दी से अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो भाई, सबसे पहले आप सब ने टाइटल और थंबनेल देख के पता कर ही लिया होगा, यहाँ पर हबीब की डॉक्यूमेंट्री की न्यूज़ आई थी 2 दिन पहले, और उसके बारे में आप सबसे डिस्कशन करना था, आप सबको एक्सप्लेन करना था कि ये एक्चुअली में डॉक्यूमेंट्री होगी क्या, इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, कौन ये डॉक्यूमेंट्री बना रहा है, सब कुछ आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन उससे पहले आप सब वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पहले आप सबको एक्सप्लेन कर देता हूं कि डॉक्यूमेंट्री एक बहुत अलग तरीके की होती है। डॉक्यूमेंट्री एक मूवी नहीं होती। मूवी के अंदर बहुत सारी चीजें चेंज होती है। बहुत सारे सुपरस्टार्स और बहुत सारे स्पोर्ट्समैन हैं कॉम्बैट स्पोर्ट्स के, जिनके ऊपर मूवीज बन रखी है, बट ये डॉक्यूमेंट्री है। डॉक्यूमेंट्री में जो भी चीजें दिखाई जाती है वो मोर और लेस सही होती है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करा होता है, बट 95% आप समझ सकते हो उसमें जो भी दिखाया जाता है एक्यूरेट दिखाया जाता है। और कुछ टाइम पहले हमने देखा था, लास्ट ईयर ही नेटफ्लिक्स ने निकाला था कॉनर मैकग्रेगर की डॉक्यूमेंट्री। यहाँ पर न्यूज आ रही है कि हबीब की डॉक्यूमेंट्री भी बन रही है, और वो आपको देखने को मिलेगी अगले साल 2024 के एंड में या 2025 के स्टार्टिंग में। तो मैं पहले बताता हूँ कि इस डॉक्यूमेंट्री के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा। आपको देखने को मिलेगा हबीब नर्मागोमेडोव का पूरा UFC कैरियर, कैसे कैसे उन्होंने अपने कैरियर में बिल्ड ऑन करा, कैसे वो चैंपियन बने। मेजरली आपको दिखाया जाएगा उसके अंदर जो उनके फादर के साथ जो उनकी रिलेशनशिप थी, और काफी जो अनसीन क्लिप्स थी उनकी ट्रेनिंग कैंप की। हमको पता है हबीब के ट्रेनिंग कैंप की पहले बहुत ज्यादा वीडियोज अवेलेबल नहीं होती थी, बट इस डॉक्यूमेंट्री के टाइम पे वो लोग बहुत चीजें रिवील करेंगे जो कि आपको इसको देखने में मिलेगा। और भी आपको सब दिखेगा कि हबीब ने कैसे ग्रो करा, उनका पहले वाला फेज भी दिखेगा जो उन्होंने UFC से पहले करा, सांबो में जो ट्रेनिंग करी, अपने बचपन से जो ट्रेनिंग करी, बेयर वाले जो रेसलिंग वाले सीन्स थे उसके बारे में, और भी चीजें निकल के आएंगी इसमें। क्योंकि एक डॉक्यूमेंट्री होती है इंसान की, वो जरूरी नहीं है कि उसके सिर्फ कैरियर वाइज ही हो, अगर वो पूरी उसकी डॉक्यूमेंट्री होती है तो उसकी पूरी लाइफ की आएगी। और मुझे ऐसा लगता है कि यहां पर जो ये डॉक्यूमेंट्री हबीब के ऊपर बन रही है, ये काइंड ऑफ फोकस्ड होगी पूरे उनके लाइफ के ऊपर, क्योंकि हबीब की पूरी लाइफ भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। क्योंकि ऑब्वियसली एक डिफरेंट कल्चर, एक पूरे डिफरेंट कंट्री से आते हैं जो कि लोगों को ज्यादा नहीं पता, और उसको देखने के लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे लोग। देखिए भाइयों, मेजर यहां पर एक चीज यहां पर डिस्कशन चल रही है कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि हबीब कॉपी कर रहे हैं कॉनर मैकग्रेगर की, कॉनर मैकग्रेगर ने डॉक्यूमेंट्री निकाली तो अब हबीब को भी निकालनी थी। तो पर्सनली आप सबको पहले कुछ चीजें एक्सप्लेन कर देता हूं, कोई भी यहां पर कॉपी नहीं कर रहा किसी की। ऐसे तो हजारों डॉक्यूमेंट्रीज निकल चुकी हैं पहले भी बहुत सारे सुपरस्टार्स की, कि यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्री है वो डेना वाइट ने यहाँ पे रिवील करा है कि UFC बना रही है, और जो कॉनर की डॉक्यूमेंट्री थी वो नेटफ्लिक्स ने बनाई थी, और ये बिल्कुल अलग अलग होगी। अब हो सकता है कि हबीब की डॉक्यूमेंट्री भी नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो जाए, बट हबीब की डॉक्यूमेंट्री के बारे में अभी कुछ ज्यादा रिवील नहीं करा गया, बस ये रिवील करा गया कि एक डॉक्यूमेंट्री बन रही है। अब ये कहां रिलीज होगी, कौन से प्लेटफॉर्म पे आएगी, आपको कैसे देखने को मिलेगा, इसका कोई भी अपडेट नहीं है भाई। और रही बात की कॉनर मैकग्रेगर की डॉक्यूमेंट्री जैसी होगी कि नहीं होगी, मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं। काफी डिफरेंट यहां पर डॉक्यूमेंट्री होगी, क्योंकि देखिए कॉनर मैकग्रेगर की जो डॉक्यूमेंट्री थी वो एक काइंड ऑफ आप समझ सकते हो एक स्टोरी डॉक्यूमेंट्री थी। मतलब कॉनर मैकग्रेगर के साथ हमेशा से वो डॉक्यूमेंट चीजें होते गई हैं। कॉनर की हर फाइट जो एडी एल्वरेज के साथ जो उसकी फाइट हुई थी, उसके बाद से उसकी सारी फाइट्स के साथ हमेशा से एक काइंड ऑफ हम कह सकते हैं कि एक कैमरा क्रूज के साथ चलते रहता था, और वो सारी चीजों को डॉक्यूमेंट करते रहता था। मतलब कॉनर ने 4-5 साल पहले ही सोच लिया था कि उसको एक डॉक्यूमेंट्री निकलवानी है, और वो जब उसका कैरियर ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा तब वो डॉक्यूमेंट्री निकल के आएगी। मतलब वो अपने कैरियर को पूरी तरीके से डॉक्यूमेंट हमेशा से ही करवा रहा था। बट हबीब का मैं श्योर नहीं हूं, शायद हबीब ने ये डॉक्यूमेंट्री करवाई नहीं है। अब उनकी जो डॉक्यूमेंट्री बनेगी वो प्रीवियस क्लिप्स जो हबीब के पास अवेलेबल होंगी, और उसके बाद वो खुद भी सामने से एडिशन करेंगे, सामने से नई नई चीजें बताएंगे, और जो एक साल का ये ड्यूरेशन है इसके बीच में ये डॉक्यूमेंट्री पूरी फिल्म करी जाएगी। ये मेजर डिफरेंसेस है यहां पर कॉनर की डॉक्यूमेंट्री में और यहां पर हबीब की डॉक्यूमेंट्री में। कॉनर की डॉक्यूमेंट्री ऑलरेडी शूट होती जा रही थी, कंटिन्यूअसली शूट हो रही थी नेटफ्लिक्स के साथ, उसका कॉन्ट्रैक्ट बहुत पहले से ही हो रखा था। लेकिन हबीब का जो यहां पर जो डॉक्यूमेंट्री है वो अब शूट होना स्टार्ट हो गया, और बाद में चीजों को ऐड करा जाएगा। तो भाई, अब हम यहां पर कॉनर की बात कर ही रहे हैं, उनकी डॉक्यूमेंट्री की बात कर रहे हैं, तो अब यहां पर बात करते हैं उनकी अगली फाइट का। मैंने आप सबको अपने चैनल पे कितनी बार बोला था कि आप सब बिल्कुल पेशेंस रहिए, मैं आपको बोल रहा हूं कि कॉनर मैकग्रेगर की फाइट होगी होगी होगी। बहुत सारे लोग आपको बोल रहे थे कि वो 6 मंथ्स का रूल होता है, यूसाडा का ये आता है, ऐसे ऐसे रूल्स होते हैं वगैरह वगैरह। कॉनर मैकग्रेगर से ऊपर कोई भी रूल नहीं है, UFC का कोई भी रूल नहीं है, यूसाडा का। कॉनर मैकग्रेगर ने क्लिपिंग शेयर करा UFC फाइट पास का, उसके अंदर टाइमलाइन चल रही थी और उसमें दिख रहा था कि कितने डेज बचे हैं इस इवेंट के, कॉनर मैकग्रेगर वर्सेस माइकल चैंडलर, जो कि UFC का इवेंट होने वाला है दिसंबर के अंदर। अब देखिए, मैं आप सबको ये चीजें पहले से बोल रहा था कि दिसंबर के अंदर ये फाइट बन सकती है, क्योंकि देखिए पर्सनली आप सब एक चीज समझिए, UFC यहां पर कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कोई एज अ टूर्नामेंट नहीं है कि इसके अंदर रूल्स डिफाइंड है, ये एक प्राइवेट कंपनी है और ये कैसे भी फंक्शन कर सकती है। और USADA जो यहां पर एग्जिस्ट भी करती है वो UFC के कारण ही करती है।
बेसिकली कह सकते हो कि यूसाडा की जो एग्जिस्टेंस है वो यूएफसी के कारण ही है, जो भी रेलेवेंस यूसाडा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके पास है वो यूएफसी के कारण ही आता है। तो डेफिनेटली यहाँ पर कॉनर मैकग्रेगर को अगर फाइट करवाना हुआ यूएफसी को तो वो यूसाडा के रूल्स बेंड कर सकती है, और ये डेफिनेटली ये फाइट होगी दिसंबर के अंदर हो या जनवरी के अंदर हो, ये 6 मंथ्स वाला रूल या कोई भी रूल कॉनर मैकग्रेगर को नहीं रोक सकता है यहाँ पर यूएफसी के अंदर फाइट करने से। रश्मि भाइयों, आप सबको लग रहा होगा कि यूसाडा के साथ ये अनफेयर हो रहा है, कॉनर मैकग्रेगर गलत कर रहा है। मैं आपको बताता हूँ, यूसाडा कोई बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये वन ऑफ द मोस्ट करप्ट ऑर्गेनाइजेशन है और ये सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मैनेज भी नहीं करती है। काफ़ी टाइम पे इनके एलिगेशन लगते हैं करप्शन के, और ये रूल्स बेंड कर देती है जहाँ पर मनी इन्वॉल्व होता है। तो डेफिनेटली कॉनर के साथ भी यहाँ पर रूल्स बेंड होंगे और चैंडलर वर्सेज कॉनर आपको दिसंबर या जनवरी के अंदर देखने को मिलेगा ही। बाकी भाई यही थी आप सबकी अपडेट्स। ऐसी ही अपडेट्स और जानने के लिए, यूएफसी को और समझने के लिए, कॉम्बैट स्पोर्ट्स और जानने के लिए चैनल को आप सब सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। मिलता हूँ आप सबको नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। बाय बाय।